फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित्रा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शिवायु। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे आप कैसे अपना ओवुलेशन डेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो या पता कर सकते हो। तो फर्स्टली, अगर आप कंसीव करने की ट्राई कर रहे हो या प्रेग्नेंट होने का ट्राई कर रहे हो, आपको फर्स्टली जानना ये बहुत जरूरी है आपका महीने का कौन सा वो टाइमिंग है जिस टाइम पे अगर आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकली अटैच्ड होते हो तो आपका चांसेस ज्यादा रहता है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो ये टाइमिंग, ये ओवुलेशन टाइमिंग बोलते हैं इस पीरियड को, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर इसके हिसाब से आप एटलीस्ट एक साल तक आपको ट्राई करना चाहिए और उसके बाद अगर आप कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तब आप कोई पता लग सकता है कि मुझ में अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर मेरे हस्बैंड को आइदर कोई प्रॉब्लम है और आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो। सो मेनी ऑफ यू नो कि मुझे एंडोमेट्रियोसिस था और मेरे बोथ ओवरीज में एक 5 सेंटीमीटर और एक 7 सेंटीमीटर का लॉन्ग सिस्ट था और मुझे थ्रू लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन में सिस्ट रिमूव किया गया। वो था 2014 की जनवरी को। फिर जाके 2018 की सितंबर को मैं जाके कंसीव की और ये जो कंसेप्शन था, मैं जो प्रेग्नेंट हुई, ये कम्प्लीटली नेचुरल था और मुझे कोई भी मेडिकेशन नहीं लेना पड़ा कंसीव करने के लिए। मेरे डॉक्टर ने सिर्फ मुझे अपना ओवुलेशन डेट ट्रैक करने के लिए बोले थे और मुझे बस इस टाइम फ्रेम में ट्राई करने के लिए बोले थे, जब हम अपने माइंडसेट किए कि हमको अब बेबी प्लानिंग करना है। तो आप ऐसे ही आप अपना जो ओवुलेशन डेट ट्रैक कर सकते हो वो मैं बताऊंगी कि मेरे डॉक्टर ने मुझे क्या सजेस्ट किए थे। तो फर्स्टली, अगर मैं एज ए नॉर्मल इंसान जो हर किसी का होता है, अगर आपका कोई पीरियड्स इश्यू नहीं है, जैसे आपका हर मंथ रेगुलरली पीरियड्स होता है 28 to 32 डेज के डिफरेंस में आपका पीरियड्स अगर आता है तो चांसेस ज्यादा है कि आपका 14th डे में, यानी आपका जिस दिन पीरियड स्टार्ट हो रहा है उस दिन अगर आप day 1 कैलकुलेट करो तो आपका जो 14वें दिन है उस डे को आपको जो एग्स है वो रिलीज होने का चांसेस रहता है। तो ये होता है टाइमिंग। और इसके आगे पीछे और 4 दिन 4 to 5 डेज आगे और पीछे ये होता है आपका मेन ड्यूरेशन, मेन मतलब जो फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है, इस टाइम पे आप अगर आप ट्राई करोगे तो चांसेस ज्यादा है। एक चीज जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो एग्स जो है वो ओनली 24 आवर तक जिंदा रहता है, स्पर्म 5 डेज तक जिंदा रहता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, बट एग्स ओनली 24 डेज के लिए जिंदा रहता है। तो वो पर्टिकुलर टाइमिंग जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कौन से टाइम पे मैं ट्राई करूं। तो मुझे मेरे डॉक्टर ने इस टाइप का एक कागज दिया था, जैसे आप देख सकते हो। अब सोचो, मैं अक्टूबर महीना की बात कर रही हूं, अगर सोचो आपको अक्टूबर की 5th डे को सोचो आपका पीरियड्स आया है, ठीक है, तो 5th डे के ऊपर आप 1 मार्क करो, फिर ऐसे ही 6th डे में 2, 7th में 3, ऐसे करके 1 to 20, 21 डेज तक ऐसे आप मार्क कर सकते हो। ये मेरे डॉक्टर ने मुझे बताए थे ट्रैक करने के लिए। और ऐसे ही आपको ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि हमारा पीरियड्स का लास्ट डे कब था। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी होता है डॉक्टर के लिए भी कि उनको पता करना कि कौन से डेट में आप ट्राई किए हो या फिर कौन सा आपका लास्ट पीरियड्स डेट था, ताकि उनको भी आसानी रहे कि आपके ओवुलेशन डेट वो आपको सही से बता सके। तो वैसे ही जैसे 1 to 2 जैसे देखो आप मैंने मार्क किया है, ऐसे ही जो 11th to 18th डे है आपके पीरियड स्टार्ट होने का, जैसे ये अक्टूबर की जो 15th है जिसमें मैंने 11th लिखा है, 11th to 18th डे जैसे यहाँ पे मैंने मार्क किया है, ये हो रहा है आपका एक्चुअल टाइमिंग, जो ओवुलेशन टाइमिंग है। इस टाइम में ये होता है आपका विंडो। इस विंडो में आप अगर ट्राई करोगे एटलीस्ट 1 ईयर तक आप ट्राई करो, एटलीस्ट 6 मंथ बोलूंगी मैं, एटलीस्ट आप ट्राई करो, फिर देखो आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है कि नहीं। उसके पहले ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आपके हस्बैंड या पार्टनर की तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि लड़कों को भी बहुत टाइम प्रॉब्लम्स रहता है, इनफ जो सीमेन में उनका स्पर्म काउंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है सो दैट इट कैन फर्टिलाइज द एग।
सो आपके हस्बैंड के एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए आप सीमेन टेस्ट कर सकते हो, वो आपके डॉक्टर ही बता देंगे, और इस इंटरवल में आप ट्राई करो। जैसे मैं बोलूंगी, मैं सिर्फ मैनुअली यही ट्रैक की थी और विद इन 8 मंथ्स आई जस्ट गॉट द रिजल्ट। सो फॉर यू आई विल ऑल्सो टेल कि अगर आपको ऐसे कोई इशू नहीं है तो आप एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स तक ट्राई करो और 1 ईयर तक, फिर जाके आप माइंड सेट कर सकते हो। अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है तब जाके आप वरी करो। उसके पहले ऐसे ही मत सोचो कि नहीं होगा ये वो, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम ऐसे ख्याल आते थे। सो एंड अदर फॉर अदर मेनी काइंड ऑफ पीपल हैपन दैट पीसीओडी का बहुत लोगों को इश्यू रहता है, तो उनको हर महीना पीरियड्स नहीं आता है, पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते। फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल आई वुड से बहुत ही अच्छा अच्छा ऐप आता है, आपका अगर एंड्रॉयड फोन है या एप्पल का भी फोन है कोई प्रॉब्लम नहीं, आईओएस है तो आप प्ले स्टोर में जाके फ्री है, बहुत अच्छे अच्छे एप्स आते हैं, आप जाके वो डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ओवोल्यूशन कैलेंडर एंड फर्टिलिटी बोल के एक ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, या पीरियड कैलेंडर एंड ओवोल्यूशन ट्रैकर बाय पिंक बर्ड, ये भी एक बहुत अच्छा ऐप है जो आपको बता देगा आपको अराउंड ओवोल्यूशन टाइमिंग या डेट कौन सा है, आप वैसे ही ट्राई कर सकते हो। ये एप्स की जो मैं बात कर रही हूँ ये सब प्रोमोशन पेड ये सब नहीं है, बस मुझे पता लगा तो मैं बोल रही हूँ, आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। मैं जस्ट मैनुअली कैलकुलेट की मैनुअल ट्रैक करती थी, मुझे इसी से पॉजिटिव रिजल्ट मिला, बट एप्स भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि इसमें आप नोट भी कर सकते हो और ये भी आपको एक रिमाइंडर टाइप का सेट ये आप कर सकते हो इस ऐप में। सो आई होप इट विल बी रियली हेल्पफुल, और मैं बताऊंगी और मैं बोलना चाहूंगी कि आप ये जो विंडो में आप ट्राई कर रहे हो इसमें आप ऑल्टरनेट डे पे ट्राई करो, क्योंकि क्या होता है अगर आप आज फिजिकल रिलेशन होता है तो नेक्स्ट डे में अगर आप यकीन करते हो तो वो इनफ स्पर्म काउंट बहुत टाइम नहीं रहता है टू फर्टिलाइज द एग। सो दैट्स वाई मेरे डॉक्टर ने मुझे ऑल्टरनेट डे ट्राई करने के लिए बोला था जैसे इस पीरियड में, तो आप हर महीना ऐसे ही ट्रैक करो और आप देखो आपके साथ क्या होता है। सो आई होप ये आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव था। अदर देन दैट मैं बोलना चाहूंगी इसके साथ साथ पॉजिटिव माइंडसेट रखना एक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कि बहुत टाइम आप नेगेटिव नेगेटिव सोचते हो कि नहीं हो, घर वाले पूछ रहे हैं अब तक क्यों नहीं हो रहा है ये वो, बहुत टाइम हम चिड़चिड़ा सा रहता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो मैं बोलूंगी नेगेटिव थॉट्स आप मत लाओ। अगर आपको कोई भी पर्सन जो है नेगेटिव आपको थॉट्स दे रहे हैं उनसे उनका अवॉइड करो, उनके साथ बातें मत करो, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो। साथ में आपका खान पान का ध्यान भी देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ में एक्सरसाइज करना, फिजिकली एक्टिव रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको इनसे रिलेटेड और कोई भी टिप्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। आई विल टेल यू व्हाट आई यूज टू डू एंड व्हाट आई डिड फॉर फूड एंड एक्सरसाइज एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आई विल टेल यू। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव था। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।